महानगर पालिका की ओर से शनिवार को जरीपटका परिसर में अतिक्रमण कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का स्थानिक दुकानदारों ने विरोध किया। कुछ समय के लिए वहां का वातावरण गर्मा हुआ था। नागपुर महानगर पालिका की ओर से शनिवार को जरीपटका परिसर में अतिक्रमण कार्रवाई की गई। परिसर में लगे सभी सब्जी फल मटन दुकानों पर शनिवार को मनपा का अतिक्रमण हथौड़ा चला। मनपा की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो परिसर में हड़कंप मच गया। अपनी दो समय की रोजी रोटी कमाने बैठे लोगों की दुकानों पर मनपा ने अपना हथौड़ा चला दिया। अतिक्रमण कार्रवाई के समय जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां के दुकानदार गुस्से में थे और मनपा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये देख हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि मनपा की ओर से इस परिसर को पहले ही हॉकर जोन घोषित किया, साथ ही यहां के दुकानदारों को अनुमति लाइसेंस भी दिया है। इसके बावजूद मनपा ने ये कार्रवाई की है। मागच्या 20 ते 25 वर्षापासून हॉकरचा प्रोव्हिजन ऑलरेडी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनने केलेला आहे। सर्वांना ऑलरेडी लायसन्स इश्यू केलेले आहेत। कोर्टात एका व्यक्तीची फायलिंग झाली, कोर्टात केस फाईल झाली 2 तारखेला आणि 15 तारखेला डायरेक्शन देण्यात आलं की तुम्ही कारवाईची नोटीस पूर्ण कारवाईच्या कारवाई करून त्याच्या तुम्ही रिप्लाय द्या। परंतु यांनी अननेसेसरी अतिक्रमणचा आदेश आहे असं बोलून इथल्या कुठल्याही व्यक्तीला नोटीस न पाठवता, कारण कुठल्या कोणत्याही जागेवर कारवाई करायची असली तर तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीला प्री इंटिमेशन देणं गरजेचं असते। सरकारचं काम होतं, सरकारने प्री इंटिमेशन द्यायला पाहिजे होती, परंतु प्री इंटिमेशन न देता त्यांनी डायरेक्ट अतिक्रमण कारवाई केली। जेव्हा की इथे जे भाजीपाला विकणारे, फळ विकणारे, मटन चिकनची जेवढी दुकानं आहेत त्यांना कॉर्पोरेशन तर्फे ऑलरेडी लायसन्स इश्यू झालेला आहे। इस दुकानदार ने बताई बात अगर सच है तो किसके दबाव में आकर मनपा ये कार्रवाई कर रही है, इसकी जांच यहाँ के लोक प्रतिनिधि को करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।